गुड आफ्टरनून, हेलो एवरीवन, योर होस्ट, योर फ्रेंड, योर टीचर, दिस इज अश्विनी गुप्ता हियर। एंड डेफिनेटली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं क्लास नाइन्थ के लिए फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने टॉपिक फिजिक्स में, और आई थिंक आप इसे फिर से उतना ही प्यार देंगे जितना आप अभी तक देते आए हैं। सो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि बहुत वाकई में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थ्रू दिस एग्जांपल वी विल डेराइव एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट बिफोर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट गो थ्रू द चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट, एंड शेयर द वीडियो एज वेल इन योर फ्रेंड सर्कल्स, योर रिलेटिव, वेयर एवर दे आर। Because of, as we know, the online education system is not limited to the local place, it is worldwide. You can share the content everywhere, as you know. So before proceeding to the derivation, first of all I would like to introduce about the term momentum. As we know, this momentum is what? This momentum is called the product of mass into velocity, right? Mass into velocity, that is called momentum. And the conservation of momentum states that the total momentum of a system remains constant, right? किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है ये कॉन्स्टेंट रहता है, ये वेरी नहीं करता है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हमने बात की थी, आपको याद होगा पिछले चैप्टर में, या आगे हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और उसका एक एग्जाम्पल हमने किया था मैकेनिक्स का, जिसमें हमने देखा था कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल वॉज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इन टू द काइनेटिक एनर्जी एज इट वॉज फॉलिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड। इन द सेम मैनर वी हैव हियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस, दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो दैट मीन्स अगर हम इस एग्जाम्पल को लेके चलें डेरिवेशन के लिए, दिस इज अ वन डायमेंशनल एग्जाम्पल वेयर टू बॉडीज आर मूविंग, राइट? सपोज द कंसिडरेशंस आर ध्यान से समझेंगे, मैं बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज की ओर नहीं चलूंगा, वी विल गो टू द टॉपिक ओनली। कंसिडरेशंस आर इनिशियल वेलोसिटी of body A is equal to UA, initial velocity of body B is equal to UB, mass of body A MA, mass of body B is equal to m b। इसके बाद अगर ध्यान से देखें द फाइनल वेलोसिटीज, ये हम एक बार लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे आएंगे। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A इज इक्वल टू वी ए, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी B is equal to VB. These are the initial considerations we have. अब इसको थोड़ा सा हम एक बार लैंग्वेज वाइज डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके डेरिवेशन पे आएंगे। नाउ सी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज व्हाट आई एम टेलिंग यू इज जस्ट, मैं इन सारी वैल्यूज को देख के लैंग्वेज बनाऊंगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल समझें व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओनली वन थिंग आई हैव फॉरगॉटन टू राइट दिस वन। Okay, now frame the word, frame the sentence about this expression, about this derivation is what? Let us consider a body A having mass MA is moving with the initial velocity UA, and a body B of mass MB is moving with initial velocity UB, with considering that UA is greater than UB, right? UA is greater than UB. So as we know, if the velocity of this ball is more than this one and they are moving in the same direction, so definitely it will collide with the B, right? क्योंकि पीछे वाले की तेज ज्यादा, स्पीड ज्यादा है,
भाई चोर आगे भाग रहा है, चोर की स्पीड कम है, पुलिस की स्पीड ज्यादा है, तो पुलिस इजिली चोर को कैप्चर कर लेगी. सो वंस व्हाट वी विल गेट अ मोमेंट व्हेन दीज टू बॉल्स आर जस्ट स्ट्राइकिंग, राइट. जैसे स्ट्राइक करेंगे तो देखिए डेफिनेटली अगर मैं इस हाथ से ऐसे मारूं तो मैं अपने हाथ से इस बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूं, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बॉडी हमारे हाथ पर भी उतना ही फोर्स लगा रही है. क्लियर है. तो इसका मतलब है कि अगर बॉल टकराएंगे तो दोनों पर उसका इम्पैक्ट दिखेगा, दोनों पर एक फोर्स एप्लीकेबल होगा. लाइक एन एग्जाम्पल, बहुत गंदा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, खुदा न करे या भगवान न करे ऐसा हो. कभी जब एक्सीडेंट होता है तो होता क्या है, दोनों गाड़ियों में चोट आती है. क्यों ऐसा होता है दोनों गाड़ियों में चोट आती है, क्योंकि जब लड़ेंगे, जब कोलिजन होगा तो पहली बॉडी दूसरे पर फोर्स लगाएगी, और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी पर फोर्स लगाएगी. क्लियर है. तो यही यहाँ पर हो रहा है. तो अगर हम पहले बॉडी की बात करें तो पहले बॉडी ने दूसरे पर फोर्स लगाया एफ ए बी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फोर्स लगाएगा, बॉडी बी ए पर लगाएगी, दैट इज एफ बी ए. ठीक. अब ये कोलिजन का मूवमेंट है, डायग्राम में देख लिया आपने. आफ्टर दिस कोलिजन दीज बॉडीज सेपरेटेड आउट एंड दे स्टार्टेड मूविंग विद द फाइनल वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली, राइट. सो दीज कंसिडरेशंस आर देयर. नाउ वी विल गो फॉर द डेरिवेशन. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, अगर हम देखें तो हमें प्रूफ क्या करना है. सो हमें प्रूफ करना है बेसिकली मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसको इक्वल प्रूफ करना है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, हमें ये प्रूफ करना है. ठीक है, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ होगा, राइट. सो हाउ कैन वी डू दिस. देखिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन अगर सिस्टम की बात करें तो ये होगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी. ये हमें प्रूफ करना है बेटा. ठीक है, पूरे सिस्टम का यही कोलिजन है. ठीक है, इस साइड का कोलिजन बिफोर कोलिजन और मोमेंटम एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है, यही प्रूफ करना है ना. प्रूफ फॉर बॉडी ए, अभी हम बॉडी ए की बात करते हैं. फॉर बॉडी ए चेंज इन मोमेंटम बताइए बेटा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा. ये होगा फाइनल मोमेंटम, ये ऐसा नीचे लिख लेता हूं मैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा. वो फाइनल मोमेंटम इज व्हाट, पी एफ माइनस पी आई, ऐसा लिख लेते हैं शॉर्ट में समझने के लिए. केवल बेसिकली हम डायरेक्टली फॉर्मल लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम होगा एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए, ये इनिशियल मोमेंटम होगा. इसको लिखा जा सकता है एम ए वी ए माइनस वी सॉरी यू ए. ठीक. नाउ अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अगर हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की बात करें, मतलब रेट का मतलब देखिए हमेशा फिजिक्स में टाइम होता है, ये याद रखिएगा. तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस विल बी एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, राइट, इक्वेशन वन. नाउ सिंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कंसीडर्ड एज द फोर्स, याद कीजिए सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये फोर्स के बराबर होता है. तो चूंकि हम बॉडी ए की बात कर रहे हैं तो बॉडी ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है, एफ ए बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए बी. ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं, एक लाइन बचा ली मैंने इसमें, नहीं तो मैं आपको अगली लाइन में लेता. ये क्या हो गया,
FAB, the force from because of the body A on the body B during the collision is derived from the Newton's third law. ठीक है, और ये आपका हो गया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, फॉर बॉडी बी हम बात करेंगे. क्या बात करेंगे बेटा, फॉर बॉडी बी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब यहां पर क्या आ जाएगा, केवल एक चीज यहां पे आनी है, क्या, दैट इज बी एम बी वी बी एम बी यू बी. ठीक, एंड चेंज इन बी जब हम बी की बात कर रहे हैं तो हम बी वॉल के मास की बात करेंगे. तो एम बी वी बी फाइनल मोमेंटम माइनस एम बी यू बी इनिशियल मोमेंटम. एम बी कॉमन है क्या, वी बी माइनस यू बी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, बाई टी कर देंगे. दिस इक्वेशन बिकम सेकेंड. ठीक, यहां तक आपने कॉपी पर मेंशन किया होगा, समझा होगा. अब इसके आगे हम बात करते हैं फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ. इसको मैं आपको मिटाता हूं अभी. देखिएगा ध्यान से, अगेन फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ व्हाट वी नो इज एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ए, क्योंकि अपोजिट होते हैं ना, तो इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे. तो पुट कर दीजिए वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू. एफ ए बी की वैल्यू है एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी बराबर एम बी है वी बी माइनस यू बी अपॉन टी. यहाँ माइनस लगा हुआ है. ठीक, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ ये अब इसको पुट करते हैं, ये हो जाएगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो V वाले टर्म है उसको एक साइड लेते हैं, U वाले टर्म को एक साइड लेते हैं. तो ये V वाला टर्म है इसको इधर ले लेते हैं, ये U वाला टर्म है डॉटेड दिखा इसको इधर ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा एम ए वी ए प्लस, देखिए इधर माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी. एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी. नाउ दिस इज योर डेरिवेशन. नाउ सी दिस इज व्हाट फाइनल मोमेंटम. ये क्या है आपका फाइनल मोमेंटम है, और ये क्या है, ये आपका क्या है, इनिशियल मोमेंटम है. सो व्हाट वी सॉ बाय दिस टू वेज कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस तरीके से हम डिराइव करते हैं. और लास्ट में हमने क्या देखा कि जो फाइनल मोमेंटम है पूरे सिस्टम का वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर है. राइट, सो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. आई इसी उम्मीद के साथ कि अब आप इस चैनल को और ज्यादा मोटिवेट होकर लोगों में शेयर करेंगे. बिकॉज ऑफ दिस चैनल इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फेक इन्फॉर्मेशन, आई विल ऑलवेज गिव यू द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन एज वेल एज द एक्टिविटीज एज वेल एज द सिलेबस. जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट आपको हमेशा बेस्ट दिया जाएगा. तब तक आप इसे शेयर करें लोगों में, सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.